राजस्थान के झालावाड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा में सुबह 3 बजे श्रद्धालुओं की कार ट्रक में जा घुसी और 4 श्रद्धालुओं को मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि 6 से भी ज्यादा के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सभी झालावाड़ जिले के रहने वाले हैं और जिले के रटलाई अकलेरा बकानी इलाके के लोगों को मृत घोषित किया गया है और बताया जा रहा है कि इस घटना की सूचना के बाद पूरे इलाके में गम का माहौल बना हुआ है। सब जैसे ही गाँव पहुंचे हैं तो कोहराम मच गया है और के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। इस घटना में 2 सगे भाई बहनों को भी मृत घोषित किया गया है। ये सभी के सभी वैष्णो देवी से दर्शन कर छतरपुर में बागेश्वर धाम के दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि तभी इस बड़ी घटना को अंजाम मिला है। सभी के सभी 26 अगस्त को यात्रा के लिए जिले से रवाना हो गए थे और वैष्णो देवी के दर्शन करने के दौरान ही इस बड़ी घटना को अंजाम मिला। बताया जा रहा है कि इस घटना में वृद्धि बाई 70 वर्षीय पत्नी शंकरलाल निवासी ब्रह्मपुरा थाना बकानी, राजू बाई 48 वर्षीय पत्नी भगवान सिंह भील टलाई और गाड़ी का ड्राइवर है विनोद पुत्र उसे और साथ में किशन लाल को भी मृत घोषित कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान दोनों सगे भाई बहनों को मृत घोषित किया जबकि उनकी एक और बहन है जिसका भी इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद पूरे इलाके में गम का माहौल है। सो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।